विदिशा जिले के गंज बासोदा अंतर्गत सिरनोटा के जैन मंदिर में 2 दिसंबर की रात को अज्ञात चोरों द्वारा प्राचीन 300 वर्ष पुरानी अष्ट धातु की भगवान आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ और पारसनाथ भगवान की मूर्तियां चैनल गेट का ताला तोड़कर चोरी कर ले गए थे। वहीं चोरी मामले में बुधवार को एडिशनल SP समीर यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान सिरनोटा मंदिर के चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से अष्ट धातु की मूर्तियां बरामद की हैं। वहीं जैन समाज ने एडिशनल SP समीर यादव सहित पुलिस अधिकारियों का सम्मान भी किया। बुधवार को सिटी कोतवाली में एडिशनल SP समीर यादव ने सिरनोटा जैन मंदिर चोरी के मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि जैन मंदिरों की चोरी को लेकर एक टीम का गठन किया गया, जहाँ छानबीन शुरू की गई, जहाँ संदेह के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार ने अपने साथी सुमित शर्मा के साथ सिरनोटा के जैन मंदिर में चोरी करना स्वीकार किया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। 2 तारीख के दरमियानी रात में सिरनोटा जो थाना त्योंदा के अंतर्गत आता है, वहां पर जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, उसमें चोरों ने वहां की 4 मूर्तियों को चोरी किया था और दान पेटी से भी नगदी रकम की उन्होंने चोरी की थी। इस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक विदिशा के द्वारा हमारी पूरी टीम लगाई गई थी, जिसमें SDOP गंज बासोदा, त्योंदा थाना के थाना प्रभारी और उनके साथ हमारी स्मार्ट पुलिस की पूरी टीम, इन्होंने बहुत जल्दी इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से इन्वेस्टिगेशन करके चोरों को आइडेंटिफाई किया और न केवल आइडेंटिफाई किया बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया। इसमें 2 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनसे 4 मूर्तियां बरामद हो गई हैं और इसके साथ जो दान पत्र से चोरी किया गया था वो रकम भी बरामद हुई है और इसके साथ जो चांदी के छत्र और तार वो भी हमने बरामद किया। सारे मूर्तियों में जहाँ उन्होंने मूर्ति को चोरी करने के बाद स्वाभाविक तौर पर चोर उसे कैश करने की कोशिश करते हैं, नगदी उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसमें यहाँ के एक सोनी से संपर्क किया गया था और हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो बात आई है उसके आधार पर हमने उसको आरोपी बनाया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ जो दूसरा आरोपी है वो भी ये स्थानीय चोर है, इससे पहले भी ये चोरी की घटना में रह चुका है धर्मेंद्र अहिरवार और ये मार्केट की घटनाओं में पूर्व के आरोपी है। सर, पहले भी कई चोरियां हुई हैं, एक बड़े टोर पर सोना चांदी की दुकान में चोरी हुई थी, आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ जानकारी? देखिए, चोरी की जो भी घटना होती है उसमें हम उतनी तत्परता से काम करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मामलों में सफलता नहीं मिलती, लेकिन हमारी जब भी कोई इस तरह के गैंग्स पकड़े जाते हैं तो हम उनसे प्रॉपर इंटरोगेशन करते हैं ताकि पहले की भी जो घटनाएं हैं वो भी खुल सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।